आगे क्या करना है, अब देखिए, टू से आप इधर डिवाइड करेंगे जीरो ही रहेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 42 हो गया और इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप मेथड लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, 99% क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, प्यार और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में, और टॉपिक है बेटे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे, पेपर पेन निकाल लीजिएगा और उसके साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो पहला सवाल है कि आप बहुत बेसिक से इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल नजर आ रहा होगा, ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, और इनका अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन, बहुत ही प्यार से तरीके से इसे समझते चलेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर करना क्या होता है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे कि सामने स्क्रीन का आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, उसमें आपको वर्ड्स को समझना है और इक्वेशन बनानी है। ठीक है, वर्ड्स को समझ के इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद उसको आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, बात समझे। ठीक है, तो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, ठीक है, और डी मेथड हो गया। ये मेथड्स आपने सीख लिए हैं और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए बाकी बातें चलती रहेंगी, शुरू करते हैं पहला सवाल, क्या कह रहा है पहला सवाल, ध्यान से समझेंगे इसको और डिटेल में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है, चलिए आइए। तो क्या कह रहा है पहला सवाल एक बार देख लिया जाए, बोला क्या जा रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स का पता लगाना है। ठीक है, हूज स्क्वायर्स हैव द सम 85, जिनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 85 गिवन है। सीबीएसई में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि पहला नंबर आपने एक ले लिया तो फिर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। कहने का मतलब क्या है, वो नंबर्स जिनके बीच में जो डिफरेंस होता है, वो वन होता है, ने हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कह देते हैं। बात समझ गए, क्या कह देते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो देखिए जब इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है। लेट को हम कहते हैं कि भाई मान लो ऐसा है, क्या मान लो ऐसा है, इसी लेट के ऊपर ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स टिकी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये सवाल दिया गया, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का पता लगाओ। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो है, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा एक्स है। बात समझे, ध्यान से देखते चलिएगा, समझाने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपने एक्स ले लिया तो सेकेंड नंबर जो कंसेक्यूटिव होगा, कहने का मतलब जो नेक्स्ट नंबर हो और इसके बीच में जो गैप हो वो आपका वन का हो। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपने फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नंबर आपने ये लिया है तो नेक्स्ट आप क्या लेंगे, एक्स प्लस वन लेंगे। बात समझ गए, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप यहां पर ये भी ले सकते हैं कि भाई एक्स प्लस वन आपने लिया, यहां पर आप दूसरा एक्स माइनस वन भी ले सकते हैं। बात ध्यान में क्या रखनी है कि जो भी दो नंबर्स का आप सेट ले रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस हो वो वन का हो। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन आएगा, इसमें से अगर आप इसमें से इसको घटाते हैं x माइनस वन, तो यहां भी देखेंगे x माइनस एक्स प्लस वन जो डिफरेंस है वो वन का है। तो या तो आप ये और ये वाला नंबर ले लीजिए, या फिर आप ये और ये वाला सेट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। दोनों ही चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मान लेते हैं कि भाई हमने ये वाला सेट लिया है, जिसके अंदर पहला नंबर x है, दूसरा x प्लस वन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हूज स्क्वायर्स हैव द सम 85, अब इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 85 है, क्या है,
इनके स्क्वेयर्स का सम 85 है। तो किस तरीके से होगा, चलिए ये बताता हूं आपको। अब इनके स्क्वेयर्स भाई, इसका अगर आप स्क्वेयर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा। इसका अगर आप स्क्वेयर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ आए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलना है। हैव द सम, अब इनके सम की बात है तो इनका अगर हमें सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, 85 मिल जाना चाहिए। और साथ में ये सब मैं क्यों कह पा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये सब बातें आपको बता पा रहा हूं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे वर्ड्स मुझे बता रहे हैं वैसा वैसा मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाता चला जा रहा हूं। इज दिस क्लियर? तो यही होती है मेन प्रोसेस, यही क्या है, यही है मेन प्रोसेस, ठीक है। मेन प्रोसेस यही है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वर्ड्स को समझिए और उसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना लीजिए और उसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम कह देते हैं इक्वेशन। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन बनने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे उसे हम देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए तो सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो फर्दर सॉल्व नहीं होता, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, इसे आप ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू एक्स हो गया और ये आपका 85 के बराबर हो जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? लाइक टर्म्स, अब देखिए मेन चीज क्या है, इसकी जो लाइक टर्म्स है ये दोनों लाइक है, ठीक है, और कोई है इसके साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इन लाइक टर्म्स को आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस टू एक्स आएगा जी, प्लस में वन आएगा जी, माइनस 85 इधर ले आओ और ये आपका जीरो हो गया। बोलो बात समझ आई, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आप लेके आ जाएंगे, सिंपल साइन बदल देंगे, तो ये बन गया आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स बन गया, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 84 बन गया और ये जीरो हो गया। बोलो बात समझ आई, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, देख ही पा रहे होंगे। टू कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन लेने का मतलब अंदर पूरे को टू से डिवाइड कर देना, जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उससे हम कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इसके अंदर टू कॉमन है तो दो से हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, बात समझे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्स और ये दो चार दो दो, ठीक है, और ये हो गया जीरो। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है, ये लीजिए। आगे क्या करना है, अब देखिए टू से आप इधर डिवाइड करेंगे जीरो ही रहेगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 42 हो गया और इज इक्वल टू जीरो। यहां पर आप मेथड लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, 99% क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का, ये आ रहा है माइनस 42 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये है प्रोडक्ट। सम क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ये सम आना चाहिए। 42 के फैक्टर क्या है, 6 × 7, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, एक का है, वही एक यहाँ पे एडजस्ट होना है। कहने का मतलब जो सम है वो प्लस है, प्रोडक्ट माइनस है। कहने का मतलब दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है माइनस तब होता है जब दोनों डिफरेंट साइन के हों, है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस हो। तो किसको आप बनाएंगे, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 7x और ये हो गया प्लस में 6x, बात समझे। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, तो बड़े वाले को प्लस कर दो और छोटे वाले को माइनस कर दो, बात समझे। तो 7x माइनस 6x इसमें ये ब्रेक हो जाता है। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 6x माइनस 42 और ये आपका जीरो हो गया। बोलो इतनी सी बात समझ आती है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ये माइनस 6x मैंने किया था, ये दो नंबर्स मुझे मिले थे जिनका सम मेरा ये है, प्रोडक्ट मेरा ये है, बात समझ गए। उसी तरीके से मैंने इसे स्प्लिट किया, यहाँ पे एडजस्ट किया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन ले लो तो x प्लस 7 आ गया, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 7 आ गया और ये पूरा खेल जीरो के बराबर हो गया। बोलो बात समझ आई, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से आपने सवाल करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाली टर्म आपकी कॉमन आ रही होगी,
तो x प्लस सेवन आपने बाहर निकाला और ये x है माइनस सिक्स है, तो ये आपने इधर लगाया और ये आपका जीरो हो गया। वन बाई वन इन्हें जीरो प्लेस कर दो दोनों को ही, तो x की वैल्यू क्या है माइनस सात है और दूसरी x की वैल्यू क्या है सिक्स है। बात समझो, x की दो वैल्यूज है माइनस सेवन और सिक्स है। अब देखिए हमने जो दो नंबर्स सेलेक्ट किए थे वो जो लेट किए थे, एक था x और दूसरा था x प्लस वन। अब देखिए यहां पर ये x की वैल्यूज आपको मिल रही है, x की वैल्यू माइनस सेवन है। यहां पर अगर आप x की वैल्यू माइनस सेवन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिक्स, ये दो आपके नंबर्स हो गए। बात समझ गए। फिर अगर आप x की वैल्यू सिक्स रखते हैं, x की वैल्यू को अगर आपने सिक्स रखा तो x प्लस वन क्या होगा सेवन, ये दोनों भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। बात समझ गए, और ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। तो दो सेट मिलेंगे आपको इस तरीके से, ठीक है। एक सेट आंसर का है माइनस सेवन माइनस सिक्स और दूसरा है सिक्स एंड सेवन, इज दिस क्लियर, ठीक है जी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपने समझी होंगी, इस तरीके से आपने वर्ड्स को लेकर के इक्वेशन और इक्वेशन को आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है जी, क्लियर है, चल क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर है बेटा, पेपर पेन लेके बैठा करो, वीडियोस का असली मजा तभी है जब आप इनको साइड बाय साइड सॉल्व भी करते चलो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। डिवाइड 29 इनटू टू पार्ट्स, बोला गया कि 29 को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स। कहने का मतलब 29 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो और कंडीशन ये है सो दैट द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इज 4 2 5, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स इज 4 2 5। 29 को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए और उन दोनों पार्ट्स के स्क्वायर का जो सम है वो हमारा क्या होना चाहिए 4 2 5 आना चाहिए। किस तरीके से होगा, चलिए मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, पहला पार्ट आपने क्या लिया x ले लिया, क्लियर है। पहला पार्ट अगर आप x ले लेते हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट यहां पर 29 माइनस x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, दो क्वांटिटीज का सम 29 है, उसमें से अगर एक क्वांटिटी x है तो दूसरी 29 माइनस x होगी, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। अब देखिए आपको दो पार्ट्स पता चल चुके हैं, दो पार्ट्स आपको पता चल चुके हैं, दीज आर द टू पार्ट्स, ठीक है। अब क्या बोला गया था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स। अब ये जो दो पार्ट हैं इनके स्क्वायर का जो सम है वो 4 2 5 है। कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन जो दे रखी है आपको, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर मैं एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब अब इन दोनों पार्ट्स का मुझे स्क्वायर करना है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 29 माइनस एक्स, इसका मैं स्क्वायर करूं तो इनका सम 4 2 5 होना चाहिए, कुछ इस तरीके का आना चाहिए। बोलो बात समझ आए, क्लियर है। यही है मेन चीज, यही है इस क्वेश्चन की इक्वेशन जिसे हमने फर्दर सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं। देखो भाई अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा 29 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 29 2 58 इसके साथ x आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, और यहां पर 4 2 5 हो जाएगा, क्लियर है बात इतनी से, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने आइडेंटिटी लगा दी, यहां पर हमने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी इसका स्क्वायर। बोलो बात समझ आई, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 29 2 58 b, क्लियर है जी। चलिए क्लियर है तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है जी। 29 फिर आ गया माइनस 58x माइनस 58x आ गया जी। अभी 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर क्या होता है जी,
29 गुणा 29 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 9 81 8, 9 2 18 19 20 26, 29 2 58, ठीक है जी। 1 8 6 14, 1 5 और 6 7 8, 8 4 1, 1 मिनट। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका 841। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब जब इतनी सी बात क्लियर है तो बस आपने आगे फर्दर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है उसे आप देख लीजिए। 841 आ गया तो आप यहां पर लगा देंगे 841 और ये 425 क्या होगा, माइनस 425 इस तरफ, और ये पूरा आपका जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है, इस चीज को देख लीजिए जरा ध्यान से। अब देखिए यहां पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस लेना है। तो 841 माइनस 425, तो 11 में से 5 गया, 6 बचा, 3 में से 2 गया 1, और ये क्या आ गया यहां पर, हाँ 8 में से 4 गया 4, 416 आ रहा है बेटा। तो ये आ गया आपका 2x² माइनस 58x और प्लस में 416, और ये आपका 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर आप ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहां से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहने वाला है, ये देखिए 2 कॉमन लिया आपने तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर आया, 2 2 9 एक्स जवाब में 2 2 0 8, और ये आपका 0 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात। बस तो हमारी फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस में 208 आ जाती है, और ये 2 उधर जाएगा तो ओवरऑल 0 रहेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है जी? बस अब आपने इसे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट हम लगाएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। तो कैसे रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो 208 एक्स स्क्वायर आता है, सम माइनस 29x आना चाहिए। 208 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, ठीक है, सिंपल। जब फैक्टर्स नहीं पता होते तो प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 2 1 0 4, फिर 2 से कर लो 2 5, और ये 2, फिर 2 से कर लो 2 2 4 6, फिर 2 से कर लो 2 13, तो 2 2 4 2 8 2 16 और 13, दो नंबर आपको क्या मिले, 16x और माइनस 13x, दोनों को माइनस कर दो, इनको आप ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे प्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, माइनस में 13x, ठीक है जी। ध्यान से समझते रह करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, जितना आप ध्यान से समझना चाहते हैं उतना ध्यान से समझिए, वीडियोस को दोबारा प्ले करिए और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 16 बन गया, यहां से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 16, और ये आपका 0, ये और ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो कहने का मतलब एक्स माइनस 16 कॉमन आ गया और फिर आ गया एक्स माइनस 13, ठीक है जी, और ये ओवरऑल 0 हो गया। यहां से x की वैल्यू आपकी 16 आती है, अगर आप इसे 0 के बराबर प्लेस करते हैं, और इसे जब आप 0 के बराबर प्लेस करते हैं तो x की वैल्यू बेटा 13 आती है। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने दो नंबर्स जो लिए थे, हमें बोला गया था 29 सम होना चाहिए, तो एक x लिया था, दूसरा 29 माइनस x लिया था। अगर मैं इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को अगर मैं क्या ले लूं जी, 16 ले लूं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 13, ठीक है। अगर इस x की वैल्यू को मैं 13 ले लूं तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, 16। तो दो नंबर्स क्या हैं, 13 और 16 है। इज दिस क्लियर? यही है इसका आंसर, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को देखिए, साफ सुथरे तरीके से करना है पहली बात तो, दूसरा स्टेप्स नहीं खाने हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका आपने मेंशन जरूर करना है। तो इन्हीं सब बातों के मिलाकर के पूरे नंबर होते हैं। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम के पूरे मार्क्स अगर 5 हैं तो इन सभी प्रोसेस को पूरा करके आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे या 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मेन चीज क्या है, आपने क्वेश्चन को डिटेल वे में किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझना है। कॉपी पेन लेके बैठा करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।